जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों, झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है और आप यहां पर अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहां पर पाठ्यक्रम पर आधारित सारे एनसीईआरटी के बुक्स का नोट्स, पीडीएफ, वीडियो, एमसीक्यू टॉपिक वाइज दिया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पर इसी कड़ी के अंतर्गत क्लास 6 के विज्ञान पाठ का यहाँ पर हम लोग वायु सेक्शन को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 से अब तक जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको हम बताते चले दोस्तों, यदि आप झारखंड आकलन परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से जो कंप्लीट कोर्स आपका जो है 499 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, वीडियो और यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जा रही है, जो कि दिसंबर तक के लिए आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ में 4 वर्षों का बिहार का आकलन परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी साथ में दिया जा रहा है। तो आप यहाँ से परचेज करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% आपकी सफलता जो है यहाँ पर आकलन परीक्षा में सुनिश्चित है। तो आप जुड़ करके अवश्य तैयारी करेंगे और इस नंबर से संपर्क करके आप हमसे सारी बातों की जानकारी ले लेंगे। तो चलिए चलते हैं यहां पर क्लास 6 विज्ञान पाठ 3 और वायु पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? वायु, जल, पानी या हवा? तो देखिए दोस्तों, जो गतिशील वायु होती है उसको हम लोग कहते हैं हवा, या क्या कहते हैं उसी को, पवन कह लेते हैं। ठीक है, तो गतिशील वायु को हवा या पवन कहा जाता है। तो ये आपका देखिए क्लास 6 विज्ञान पार्ट 3 वायु चैप्टर से लिया गया है। तो अब जाकर के उस चैप्टर को जैसे ही खोलिएगा तो आपको सारे प्रश्न दिखाई देंगे। तो बस ऐसे ही एनसीईआरटी का नोट्स आप पढ़ जाइए, आपका आकलन परीक्षा में 100% सफलता निश्चित है। और यहाँ से सारे नोट्स परचेज कर लेंगे तो 101% आपकी सफलता बनती है। तो आप जरूर परचेज कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, वायु कहाँ उपस्थित है? वायु कहाँ उपस्थित है? विद्यालय में, मिट्टी में, वायुमंडल में, सभी जगहों में। तो क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, सभी जगहों में इसका राइट आंसर होगा। यानी वायु कहाँ उपस्थित है? तो वायु सभी जगहों पर उपस्थित है, और जहाँ वायु उपस्थित नहीं है वहाँ सांस लेना दुभर हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वायु सभी जगहों पर लगभग उपस्थित है। अगला है, वायु के संबंध में क्या सत्य है? वायु के संबंध में क्या क्या सही है आपको बतलाना है। ठीक है, वायु स्थान घेरती है, पहला चीज। वायु का कोई रंग नहीं होता है, वायु पारदर्शी होते हैं, या सभी कथन सत्य हैं? तो आपको हम बता दें, देखिए वायु के संबंध में, वायु जो होता है स्थान घेरती है, आप एक क्रियाकलाप से देखेंगे तो वायु सभी जगहों पर स्थान घेरती है। जिसे एक बैलून का आप बात करेंगे तो जब बैलून को हम फुलाते हैं तो उसका स्थान बढ़ जाता है ना। तो यानी वायु जब उसमें गया तो क्या हुआ, उसका स्थान घेरता है, एक जगह बताया, तो इसलिए वायु स्थान घेरती है। वायु का कोई रंग नहीं होता, ये एकदम सही चीज़ है कि वायु का कोई रंग नहीं होता, वह जो है निरंग होता है। ठीक है, वायु पारदर्शी होता है, बिल्कुल सही चीज़ है, वायु पारदर्शी होता है, उसमें एक जगह से दूसरे जगह देखा जा सकता है, एक स्थल दूसरे स्थल देखा जा सकता है, इसलिए पारदर्शी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सभी कथन सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, सभी कथन वायु के संबंध में बिल्कुल सत्य हैं। अब देखिएगा, वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वायु के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आपके किताब से ही हम केवल कवर किए हैं, बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो वायु से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या कोई नहीं? तो वायु से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु है, वायु क्या चीज़ है बताना है आपको, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या कोई नहीं है? देखिए प्रश्न बहुत बार आया गया, जितना बार कहें उतना ही कम पड़ेगा आपको दोस्तों। तो वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है, ना तो तत्व है ना तो यौगिक है, वायु क्या है? मिश्रण है, सभी गैसों का मिश्रण है। ऊंचाई पर चढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा पर क्या असर पड़ता है? जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही लोग ऊंचाई पर चढ़ते हैं, इसलिए ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो वायु की मात्रा पर क्या असर पड़ता है? वायु बढ़ जाता है, ऑक्सीजन घट जाता है,
ऑक्सीजन अपरिवर्तित रहता है, यानी न तो बढ़ता है न तो घटता है, सामान्य रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऊंचाई पर चढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है धीरे धीरे क्या होती है, ऑक्सीजन घटने लगता है, जिसके कारण आप देखते होंगे जो पर्वतारोही लोग जो ऊपर जाना चाहते हैं वे अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं और ऑक्सीजन मास्क लेकर के जाते हैं, जिससे उसको पहन लेते हैं। अगर ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो उनकी मृत्यु ऊपर में हो सकती है, इसलिए जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने लगती है। अगला है, सभी जीव जंतु श्वसन में किसका उपयोग करते हैं, सभी जीव जंतु जो है श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या कोई नहीं। तो देखिए, हम लोग जीव जंतु की बात कर रहे हैं, जीव जंतु तो ये श्वसन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सभी जीव जंतु कौन सा गैस बाहर निकालते हैं, सभी जीव जंतु की तरफ से जो गैस निकालते हैं, गैस जो निकलता है वो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सभी जीव जंतु जो गैस बाहर निकालते हैं उसका नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं, तो कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड लिखता है तो CO2 भी लिखता है, तो दोनों में से जो होगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला, वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायु क्या है, अभी हम लोग जानते हैं वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, ठीक है, यानी इसमें कुछ गैस ज़्यादा मिला हुआ होगा मात्रा में, कुछ कम मिला हुआ होगा, यानी पहला स्थान पर दूसरा स्थान पर होगा। तो देखिए, वायु में यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है या ऑर्गन पाया जाता है, क्या पाया जाता है वायु में सबसे अधिक मात्रा में गैस, ठीक है। तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है वो है आपका दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है 78% होता है, नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, और यह प्रश्न अब तक 501 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो अभी आपको हमने बताया नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, 78% है कि 21% है कि 1% या 0 है। तो वायुमंडल में, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो है वो कितना है आपका, 78% है, ठीक है। अगला है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है, 78%, 21%, 0.02% या 0.93%। तो देखिए, वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन गैस है वो दूसरे नंबर पर आती है, कौन से नंबर पर आती है, दूसरा स्थान है, पहला किसका है, नाइट्रोजन का, दूसरा किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो पहला और दूसरा बार बार पूछा जाता है, पहले स्थान पर कौन है, नाइट्रोजन, और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है तो 21% होता है, ठीक है, कितना होता है 21%, 21% किस में है, बी में, यानी इसका राइट आंसर बी ही होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की संयुक्त मात्रा कितना है, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला दीजिएगा तो उसकी मात्रा प्रतिशत में कितनी है वायुमंडल में, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, यानी इसकी संयुक्त मिला दें हम तो 78% जो है नाइट्रोजन है और 21% जो ऑक्सीजन है, इसको मिलाएंगे हम तो 8, 1, 9 और 7, 9, यानी 99% हाइड्रोजन और वायु में यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सी में ऑप्शन दिया हुआ है 99%, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, दोनों को जोड़ के बता देना है आपको, ठीक है। अगला, मछली पानी में श्वास कैसे लेती है, ठीक है, मछली जो है पानी में श्वास कैसे लेती है, त्वचा की तरफ से, पूंछ से, गलफड़ा से या कोई नहीं। आपको बता दें, देखिए मछली जो होता है, पानी जो होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी घुली हुई पानी की घुली हुई ऑक्सीजन मिलता है, जिसको मछली श्वास के रूप में लेती है, और वो किससे, कौन सी अंग से लेती है, तो वो गलफड़ा, किससे लेती है, गलफड़ा से लेती है, ठीक है। तो मछली पानी में श्वास लेती है, किससे लेती है, गलफड़ा, जिसको हम लोग गिल्स के नाम से जानते हैं, तो गिल्स से लेती है। अगला है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल से क्या लेते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो वे वायुमंडल से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या जल वाष्प। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय वायुमंडल से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वायुमंडल में से क्या छोड़ते हैं, वायुमंडल में क्या छोड़ते हैं, जिससे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन बनाते हैं, और वायुमंडल में छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन,
CO2, नाइट्रोजन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है देखिए आपका यहाँ पर जो छोड़ते हैं वो है आपका ऑक्सीजन, जो कि मनुष्य के तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है और बैलेंस बना हुआ रहता है। जल जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? किसी भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जब जल रही है तो उसके लिए कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन या कोई नहीं। तो जलने में देखिए सबसे अधिक सुगंधित गैस जो होता है ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन के संपर्क में कोई वस्तु जल रहा है उसको और ऑक्सीजन का संपर्क देंगे तो वो और ज़्यादा जलेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है इसका ज़्यादा जलने में सहायक होता है, इसलिए ऑक्सीजन को बंद कर दे, किसी चीज़ से हम उसको बंद कर दे पूरी तरह से, मुँह बांध दे, तो वो बहुत चंद मिनटों में क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तो आपका जो है जलने में कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अगला देखिएगा, तो दोस्तों इस तरह से पार्ट तीन जो वायु का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा हमने यहाँ पर दे दिया है। अब अगले दिन हम लोग चलेंगे यहाँ पर पौधे के बारे में पढ़ेंगे, तो आज पार्ट तीन क्लियर हो गया है, कल हम लोग चलेंगे पौधे के बारे में। तो इस तरह से टोटल टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम MCQ क्वेश्चन करवा देंगे और वही क्वेश्चन शामिल है जो केवल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप यहाँ पर 499 रुपये में कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आप 100% सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके अलावा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।